पहले तो हम अकेले ही आपका मनोरंजन करते थे क्योंकि हम आपके खास खुराफाती हैं, लेकिन इस खुराफाती के पूरे गैंग से भी आप रूबरू हो चुके हैं। अरे एक चमेली चाची हैं, तो एक फिल्म क्रिटिक हैं, तो एक आदमी है जो प्रोफेसर द्विवेदी है, तो कोई डेली शॉपिंग बताता है। चलिए देखते हैं कि आज कौन सा खुराफाती है जो खुराफात दिखा के आपका मनोरंजन कर रहा है। चला हेलो एंड वेलकम टू द शो। ओ माय गॉड, कैमरा किधर है? सॉरी ना, किसी ने सही कहा है कि रात में काला चश्मा लगाकर नहीं रखते। बाय द वे, मेरा नाम है कोमल फटाका, सच्चा सी नेम ची। प्यार से लोग मुझे हैंडी भी कहते हैं क्योंकि मैं किसी से भी हैंडल हो जाता हूँ ना। स्पॉट, मेरा लॉलीपॉप किधर है? ओप्स, मेरी जेब में है। सॉरी हाँ, बात दिल पे मत लेना, बिना लॉलीपॉप खाए मुझे एनर्जी नहीं मिलती। अब खाना ही बोलूंगा ना, चूसना बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? इट्स अ फैमिली शो ना। आज पता है मैं किस फिल्म की बात करने वाला हूँ? मैं आपको बताऊंगा, आपको गैस करना है। एक शायरी सुनाता हूँ, ओके? हमारी बॉडी पर है अलग अलग अंग, हमारी बॉडी पर है अलग अलग अंग, जो काम करे वो ठीक, जो ना करे वो दबंग। समझ गया ना मैं किस फिल्म की बात करने वाला हूँ? कितनी गंदी फिल्म थी, यू नो, कुछ भी अच्छा नहीं था उसमें। पता नहीं कैसे फिल्म ने 250 करोड़ रुपए कमा लिए, 225 रुपए की भी औकात नहीं थी फिल्म की कहानी। ओ माय गॉड, इतनी अश्लील कहानी कि मुझे सुनाने में शर्म आ रही है। शर्म से पानी पानी हो जा रहा हूँ मैं बताने में। एक्चुअली ना, फिल्म में सिर्फ अंग प्रदर्शन था। तीन हट्टे कट्टे मर्द इतने टाइट कपड़े पहनते हैं कि उनका अंग बाहर की ओर भी दिखाई देता है। अब मुझे समझ में आया कि फिल्म में सारे एक्टर्स के अंग सांस नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए फिल्म का नाम दबंग रखा गया। और डायरेक्टर तो बिल्कुल बेशरम था, यही बेशरम वाला डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप, अनुराग सिंह कश्यप का भाई। इसको तो अपने भाई से सीखनी चाहिए। गैंग ऑफ वासेपुर में डायलॉग था ना कि कह के लूंगा, इसकी बिना कहे ले लेनी चाहिए। कैसी फिल्म बनाई है? एक्चुअली ना, फिल्म में तीन मर्द कास्ट किए, सोनू सूद, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा। तीन मर्द, दो मर्द आपस में प्यार करते हैं, दो मर्द आपस में लड़ाई करते हैं। अब मर्द प्यार करे तो ठीक, लड़ाई करवाना चाहिए क्या? ऐसी फिल्म कोई बनाता है? और एक्टर, सारे एक्टर बेकार थे, किसी ने मुंह ही नहीं खोला फिल्म में, जब भी खोला गंदा ही बोला। अब बताइए, ये कोई डायलॉग होता है कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि तुम भूल जाओगे कि सांस कहाँ से लें और पादे कहाँ से? ओ माय गॉड, छी, कितना गंदा डायलॉग था। हाँ नहीं तो फिल्म का म्यूजिक, ओ माय गॉड, इतना गंदा म्यूजिक। मैं एक बार इस म्यूजिक के चक्कर में लोगों से पिटने वाला था, यू नो, पता है क्या हुआ? पार्टी में मैंने डीजे के सामने ये गाना बजा दिया, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। एक तो कम बखत पता नहीं कौन स्क्रैच वाली सीडी दे देता है हमेशा, जैसे ही मैंने सीडी लगाया एंड टाइम पे सीडी अटक गई और कुछ इस तरह से बजा, तेरे मस्त मस्त दो मेरे दिल का ले गए चैन। ओ माय गॉड, पब्लिक मुझे मारने वाली थी, लेकिन कम बखत सिर्फ कह के रह गई। इतने सारे मर्द मारते तो मुझे अच्छा लगता ना। पता है, फिल्म के प्रोड्यूसर अरबाज खान ने दबंग वन बनाई, जो बहुत ही घटिया फिल्म थी, किसी को समझ में नहीं आई। उसी को समझाने के लिए उसने दबंग टू बनाई, वो भी किसी को समझ में नहीं आई। अब वो पता नहीं क्या करने वाला है, ये मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ इतना समझ में आता है कि अगली बार फिर आऊंगा, एक और नई फिल्म की कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बॉयज। भैया, खुराफातियों के खुराफात के बाद अब बारी है तीन जबरदस्त गानों की, तो भैया सुनाते हैं गाना नंबर 8, 7 एंड